चंद बाबा के मिलन का आनंद हमारी एकाग्रता पर, हमारे ईश्वरीय नशे पर, और हमने अपने चित्त को महान विचारों से भरकर कितना शांत किया है इस पर निर्भर करता है। अब हम सभी बाबा के मिलन के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। चित्त शांत, मन और बुद्धि एकाग्र और ईश्वरीय नशे में अपने भाग्य को भी देखेंगे। एक बहुत अच्छी बात जो मैं सदा कहता हूँ, आज फिर से उस नशे में स्थित होंगे, कौन किन से मिलने आ रहे हैं। जो मिलने आ रहे हैं वो तो सबसे बड़ी ताकत परम सत्ता, हम सभी के परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हैं। लेकिन जिनसे मिलने आ रहे हैं वो हम सब आत्माएं भी साधारण नहीं, भगवान के द्वारा चुनी हुई महानतम आत्माएं हैं। ये नशा हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है। सदा के लिए भी याद रखेंगे, ईश्वरीय नशे से मन बुद्धि एकाग्र होती है, समर्थ बनती है। तो हम एक बहुत अच्छे अभ्यास से आज की शुरुआत करेंगे। मैं आत्मा इस तन में अवतार हूँ, याद करेंगे। जो अवतार बनेंगे वही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बहुत गुड फीलिंग में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतर कर इस देह में आ गई हूँ। भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ गई हूँ। मैं शांति की अवतार, शक्ति अवतार, पवित्रता की अवतार हूँ। मैंने इस देह में प्रवेश किया है, इस धरा पर पुनः शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। देखें अपना स्वरूप, चमकती हुई मणि, भ्रकुटी की कुटिया में। एकांत और स्वचिंतन हम सभी अपने जीवन में रोज अपने को समय दें। बहुत लोग अति व्यस्तता के कारण अपने को समय नहीं देते, फिर ये शिकायत होती है कि पहले जो नशा था वो समाप्त हो गया। अपने को हमेशा उमंग उत्साह में रखने के लिए
स्वयं से बातें करना परम आवश्यक है। मेरे साथ सभी अपने से बातें करें। संगम युग बहुत भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने जन्म जन्म बहुत पुण्य किए हैं, उन्हें ही प्रभु मिलन हुआ है। जिन पर भगवान की दृष्टि रही है वही अब बाबा के पास आ गए हैं। तो अपने से इस तरह बात करें, मुझे बाबा से वो सब कुछ ले लेना है जो केवल अब ही लिया जा सकता है। यदि ये समय चूक गए तो दोबारा ये समय कभी नहीं आएगा। अपने को ट्रेन कर दें, क्या मैं आत्मा वो सब कर रही हूँ जो मुझे कर लेना चाहिए, या छोटी मोटी उलझनों में मेरा जीवन उलझ कर रह गया है। बहुत अच्छी तरह बातें करें स्वयं से। बाबा हमें सब कुछ देने आए हैं, वरदान, शक्तियां, भाग्य, श्रेष्ठ बुद्धि, क्या हम वो सब ले रहे हैं जो बाबा हमें देने आए हैं। रोज बातें करेंगे। और एक बहुत सुंदर चिंतन सभी महान आत्माओं को करना है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने इस जीवन में महान लक्ष्य रखे हैं। बहुत अच्छी तरह स्वयं से बातें करें, मुझे अपने को इतना ईश्वरीय शक्तियों से भर देना है कि मैं संसार के दुखों को समाप्त कर सकूं। बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य जो मुझे बहुत अपील किया और याद रहता है, जो हमें हमारे महान कर्तव्यों की याद दिलाता है, उसे याद कर लिया करें। बाबा ने कहा, जब तक तुमने सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं किया तुम घर नहीं जा सकोगे। कितना बड़ा काम बाबा ने दिया है, चैलेंज किया है। बात करें अपने से, क्या हम अपने को तैयार कर रहे हैं? क्या हमने अपने अंदर ईश्वरीय सुखों का इतना भंडार भरा है? चलें अब भर लें सुख। ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा, योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। तो सभी स्वयं सेवाते करेंगे, अपने अंदर इतने ईश्वरीय सुख भरे हैं जो संसार के दुखों को समाप्त कर सकें। क्या अपना जीवन इतना निर्विघ्न बनाया है जो विघ्न विनाशक बन जाएं? क्या स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सभी को भय से मुक्त कर दें? स्वचिंतन, स्वयं को ट्रेनिंग देने की सबसे सुंदर विधि है। सभी सो रोज चला करें, रोज अपने को 15-20 मिनट आधा घंटा एकांत का अवश्य देंगे। याद रखेंगे, एकांत योगियों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। जिन्होंने एकांत में ईश्वरीय रस रखना सीख लिया उनके जीवन में कभी गिरावट नहीं आती। तो हम जिस महान लक्ष्य को लेकर इस जीवन में आगे बढ़े हैं, हम उसी ओर चल रहे हैं या हम राह से भटक गए हैं? ध्यान देंगे इस बात पर, अनेक ब्राह्मण आत्माएं राह से भटक चुके हैं, लक्ष्यहीन हो गए हैं। और यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाए, यदि वो राह भटक जाए, तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज की मुरली पर ध्यान दें, सभी के मन को बुद्धि को हिलाने वाली बात बाबा ने कह दी। याद करें, मैं और मेरेपन के कारण उतना जमा नहीं होता जितना तुम समझते हो। मान लो मैं एक उदाहरण दूं, किसी ने यज्ञ में बहुत सारा धन लगा दिया, परंतु उसको रहता है मैंने इतना किया, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए सेवा केंद्र पर, तो समझ लें उसका पुण्य दिनों दिन नष्ट होकर जीरो पर आ जाएगा। कोई भी बड़ी योग्यता ईश्वरीय देन है। कितनी सूक्ष्म बात बाबा हमें कहते हैं, चेक कर लें कहीं हम राह से विचलित तो नहीं हो गए हैं। जो कुछ हमें करना है उसे छोड़कर हम कहीं वो तो नहीं कर रहे हैं जो संसार में अनेक लोग करते हैं? क्या हमारा जीवन निष्काम भाव से त्याग वृत्ति से भरपूर हुआ है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की एक और सुंदर विधि, सभी नए भाई बहने भी इस पर ध्यान देंगे। रोज सवेरे किसी भी टाइम ये याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, मुझे इस जीवन में
क्या क्या मिला है। सोच लें, अभी चलें इस गुड फीलिंग में। मैंने इस संगम युग पर इन आंखों से क्या क्या देखा, इन कानों से क्या क्या सुना, क्या क्या पाया। सबसे पहले आज भी हम बहुत कुछ देखेंगे। सबसे पहले हमें मिले स्वयं भगवान। सोच लें, बाबा के बहुत सुंदर सुंदर शब्द होते हैं, बाप तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया है। सोचें, बाबा हमारे पास आया, हमारा बनकर आ गया, खुदा दोस्त बनकर आ गया, स्वर्ग की सौगात लेकर आ गया। बहुत अच्छी तरह विचार करें, क्या क्या पाया इस जीवन में। सत्य ज्ञान मिला, जन्म जन्म की प्यास मिट गई, जो कुछ खोजते थे, जो ढूंढते थे, जिसको देखने के लिए आंखें प्यासी थी, वो सब मिल गया। बाबा के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचें, बाबा हमारे पास आए, हमारा सहारा बनकर आए। भाग्य विधाता हमारे पास आए, श्रेष्ठ भाग्य देने आए। जिनका कोई सहारा नहीं था उनको सहारा मिल गया। किसी का जीवन सुख शांति से भरपूर हो गया, तो किसी ने समस्याओं से मुक्ति पा ली, किसी के भय चिंताएं दूर हो गई, किसी ने महानता के पथ पर कदम रख दिए। बहुत अच्छी तरह याद किया करें इस संगम युग पर क्या क्या पाया। चलो एक बार फिर बाबा का स्वागत करते हैं। ले चलें बुद्धि को परम धाम और वेलकम करेंगे हम अपने खुदा दोस्त का, उसका जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। परम धाम में बाबा को निहारें। और प्यार से निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान, खुदा दोस्त, मेरे मन के नीच हम बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर हमारे परम पिता महाज्योति नीचे उतरने लगे। उतरता हुआ देखें उन्हें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख
और बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर पर फैला दी हैं। फील करें, और बोले बच्चे, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिया, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां भी तुम जाओगे, जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे, सफलता साथ साथ चलेगी। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि देते देते लोप हो गए। ओम मैं आप सभी को पिछली मुरली की ये दो सुंदर बातें पक्की करा देना चाहता हूँ। पिछली जो बाबा की मुरली चली है, बाप साथ है रक्षक के रूप में, सेवियर है हमारा, हम उसकी प्रोटेक्शन में हैं। इसलिए डर समाप्त कर देना है, भिन्न भिन्न तरह के भय और चिंताएं आज मनुष्य को परेशान कर रही हैं। ये नशा और ये स्मृति बहुत बढ़ा देनी है। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, इसलिए कम से कम एक बार रोज सवेरे स्वयं को इस डीप फीलिंग में ले आना है। भविष्य में ये अभ्यास बहुत बहुत काम आएगा। जब इस संसार में चारों ओर भय और चिंता का वातावरण हो जाएगा, जब इस संसार में चिल्लाहट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, तब ये स्मृति हमें बेफिकर बादशाह बना देगी। दूसरी बात जो बार बार याद दिलाई थी पिछली बार, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से तुमने ये जन्म लिया है, बाप ने सफलता का वरदान दे दिया है। महत्व इस चीज का है कि हमें ये याद रहे। अगर स्मृति है, विश्वास है और नशा है कि इस ब्राह्मण जीवन में मुझे बाबा से सफलता का वरदान मिला है, और जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे इस कर्म में सफलता मिलेगी ही, तो बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, ये हम सबको याद रखने हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। वरदानों में बहुत शक्ति है। मनुष्य गुरु मनुष्यों को वरदान देते हैं तो भी फलीभूत होते रहते हैं। हमें वरदान दिया है परम सद्गुरु ने, इसलिए रोज सवेरे ये दोनों बातें हम सभी को याद कर लेनी है। और दिन में
एक दो बार कर्म क्षेत्र पर जाने से पहले, किसी विशेष कार्य को करने से पहले इस वरदान को स्मृति में ले आएं। मुझे बाबा से ये वरदान मिला है। बहने सफल सेवा के फील्ड में, जो भाई लौकिक में हैं अपने कार्यों के क्षेत्र में, परिवारों में इस वरदान का समुचित लाभ उठाएंगे। पसंद है सभी को ये दोनों बातें? बहुत अच्छी तरह रोज ये गुड फीलिंग अपने को देंगे तो आज बाबा हम सबसे मिलने आ रहे हैं। सब विचार करें, दो ढाई घंटे हम सभी भगवान के साथ बैठेंगे, उसके प्योर वाइब्रेशंस में बैठेंगे, उसके प्यार के वाइब्रेशंस को अनुभव करेंगे। उससे अनेक शक्तियां ली जा सकती हैं, उससे जीवन के किसी विशेष विघ्न को नष्ट कराया जा सकता है, उससे किसी बीमारियों को समाप्त कराया जा सकता है। आज भी कोई विशेष वरदान भी लिया जा सकता है, किसी असंभव और बिगड़े हुए कार्य को भी ठीक कराया जा सकता है। जरूरत है बहुत ज्यादा विश्वास और एकाग्रता की। तो अभी से हम सब स्वयं को ईश्वरीय नशे में स्थित करेंगे। मैं आप सब से कह रहा था, क्या क्या मिला है हमें इस जीवन में, एक लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं, कम से कम 25 बातों की। कितनी जगह बाबा ने हमें मदद की है, कितनी जगह हमें सुरक्षित किया है, कितनी जगह हमारे बिगड़े काम संवारे हैं। अगर हम बाबा को सच्चे दिल से थैंक्स देते रहें, उसने जो हमें गाइडेंस दी, परम सद्गुरु बनकर राजयोग सिखाया, हमारे जन्म जन्म के दुख दूर किए, और सबसे बड़ी बात मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, वे हमारे पास आए सहारा बनकर। भगवान जिनका सहारा बन गया हो, उनका जीवन कितना निश्चिंत और निर्भय हो जाए। स्वीकार कर ले इस बात को सभी, परम सद्गुरु सर्वशक्तिवान हमारा सहारा बनकर आया है। सोच लें, जिस मुक्ति के लिए जन्म जन्म हम सब भी त्याग तपस्या करते आए थे, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा अधिकार बन गया है। बाबा ने हमें क्या क्या दिया, एक लिस्ट बनाएंगे, रोज एक बार याद कर लें। सवेरे भूल जाएं, दिन में याद कर लें, शाम को याद कर लें, तो बहुत गुड फीलिंग होगी। चले एक बार फिर एक सुंदर अभ्यास की ओर। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं चमकती मणि, मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी, मस्तक सिंहासन पर, संकल्प करें मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब देखें ऊपर, ज्ञान सूर्य
महाज्योति। मुझसे मिलने आ रहे हैं, अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए मुझसे मिलने नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरी आंखों के सामने, सामने देखें ज्ञान सूर्य से बाबा को, चारों ओर उनकी तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। ये सभी किरणें शक्तियां मुझ में समा रही हैं। एक सुंदर बात आप सभी के समक्ष है। सभी ज्ञानी आत्माएं जो प्रभु प्रेम में और उनकी पालना में पल रहे हैं, अपने अपने परिवारों में बहुत सुंदर वातावरण बनाएंगे। हम सभी के ईश्वरीय मार्ग पर चलने का प्रत्यक्ष स्वरूप अपने चेहरे से सबको दिखाना है। याद रखेंगे, जिस घर में एक मनुष्य की स्थिति भी श्रेष्ठ हो, बहुत पवित्र हो, वो परिवार निर्विघ्न हो जाता है। जिस परिवार में एक भी कोई महान आत्मा का निवास हो, वो परिवार विघ्नों से और दुखों से मुक्त हो जाता है। मैं फिर से एक कहानी आपको याद दिला दूं, कई क्लासेज में मैंने वो सुनाई है। युधिष्ठिर को मृत्यु के बाद 5 मिनट का नरक मिला, एक बार युद्ध में झूठ बोलने के कारण। देवदूत युधिष्ठिर को नरक में ले गए, 5 मिनट खड़े रहे, 5 मिनट पूरे हो गए, युधिष्ठिर वापिस चलने लगे तो नरक के निवासियों ने आवाज लगाई कि हे महाराज, हमें छोड़कर न जाओ। युधिष्ठिर मुड़े और पूछा क्यों? उत्तर आया, आपके यहाँ खड़े रहने से हमारी नरक की पीड़ा समाप्त हो गई है। सोच लें आप सभी, चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। युधिष्ठिर जो धर्मराज थे, जिनके पास धर्म का, न्याय का, सत्य का, पवित्रता का, पुण्यों का बल था, उनके वाइब्रेशंस के कारण नरक निवासी पीड़ाओं से मुक्त हो गए। जिस एक घर में एक पुण्य आत्मा रहती हो, जिस परिवार में एक महान आत्मा का निवास हो, जिस परिवार में भगवान की पालना और प्रेम में पली हुई कोई आत्मा रहती हो, क्या उसकी उपस्थिति से वो घर महान तीर्थ नहीं बन जाएगा? सोचेंगे सभी। यही बात सेवा स्थानों के लिए भी है, जहाँ हमारी बहनें रहती हैं, जो देवियां हैं, बहुत पवित्र हैं, महान आत्माएं हैं, अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहकर पुण्यों को बढ़ाते हुए, पवित्रता का बल धारण करते हुए
श्रेष्ठवान में यदि रहेंगे तो आपके परिवारों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर घर में क्रोध होगा, अगर घर में पाप का धन आएगा, अगर घर में अपवित्रता के वाइब्रेशंस होंगे तो बच्चों को गलत राह पर जाना ही है। वो घर विघ्नों से भरा रहेगा, इसलिए अपने श्रेष्ठवान को पहचानते हुए अपने अपने घर में सभी जो बाबा के बच्चे बन गए हैं नियम बना लें, अपने अपने घर में आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को ऐसा योग करें कि घर में विघ्नों को नष्ट करने वाले वाइब्रेशन फैल जाएं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये बाबा के महावाक्य हैं, बहुत पुराने। किसी भी स्थान को निर्विघ्न बनाना हो, किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदलना हो, कहीं अशांति के वातावरण को शांति में बदलना हो तो इस गुड फीलिंग में बैठ जाओ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। तो सभी ग्रस्त में रहने वाले भाई बहने भी अपने अपने परिवार को तीर्थ बनाने का लक्ष्य बना लें, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनके लिए मैं एक सुंदर शब्द देना चाहता हूँ। जो योगयुक्त आत्माएं हैं वो चलते फिरते महान तीर्थ बने, वो चलते फिरते लाइट हाउस बनेंगे। समय की यही मांग है, समय हम सबको चैलेंज कर रहा है कि महान कर्तव्य करने के लिए स्वयं को तैयार करो। तो बुद्धिमान आत्माएं, दिव्य दृष्टि बुद्धि से संपन्न सभी आत्माएं अपने को तैयार करें। हमें आने वाले समय में इस संसार को बहुत कुछ देना होगा, इसलिए व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। व्यर्थ में हमारा अनमोल समय न बीतता रहे, स्वयं को ट्रेंड करेंगे ये अपने हाथ में है। हम व्यर्थ में जीवन व्यतीत करें या सुंदर संकल्पों के आनंद में मगन रहें, ईश्वरीय सुखों की अनुभूति करते रहें। चले एक बार स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से भरने के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं। बहुत गुड फीलिंग में आ जाएं, स्वीकार कर लें। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ मैं, माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ मैं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा बुद्धि के नेत्र से निहारे उन्हें, जैसे कि हमें सर्वशक्तिवान शिव बाबा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आत्मा भी उनके पास बहुत समीप विराजमान हूँ, उनकी संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं।
परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। बाबा का मिलन हम सभी के लिए सुंदर वरदान है और मैं सोचा करता हूँ ये दिन हमें कितने याद आया करेंगे। इन्हीं सब बातों से पुराण भरे पड़े हैं, ये गाथाएं कही गई हैं पुराणों में, भागवत में, शास्त्रों में, हम उनसे सम्मुख हो रहे हैं। ये हमारा भाग्य है कि जो कुछ पुराणों में और शास्त्रों में लिखा है वो हमारे सम्मुख घटित हो रहा है। आज हमारा प्रभु मिलन बहुत सुखकारी हो, आज का दिन भी बहुतों ने श्रेष्ठ अभ्यास में व्यतीत किया होगा और अब से डेढ़ घंटा 7:30 दादी आती हैं, डेडिकेट कर दें अपना फुल टाइम, ये 90 मिनट्स श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए। सभी भाई बहनों के लिए मैं कुछ अभ्यास कहूंगा, उसको करते हुए क्लास के बाद भी बहुत सुंदर एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। हर ग्रुप में बहनें बैठती हैं योग करने के लिए, मुझे पता नहीं इस बार भी बैठेंगी पता है, तो सब बहुत अच्छा योग चलेगा। क्या करेंगे हम सभी योग अभ्यास में? बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, एक अभ्यास। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उनकी किरणें एक फाउंटेन के रूप में निरंतर हम पर पड़ रही हैं। अभी महसूस करें, मानो उनकी शक्तियों की हम पर बरसात हो रही है। एक सुंदर फाउंटेन हमारे ऊपर उतर रहा है और फिर बहुत सुंदर अभ्यास करते रहेंगे। मैं आत्मा इस देह से निकलकर इन किरणों के मध्य से चलती हूँ ऊपर की ओर, बाबा को टच करती हूँ, कुछ समय उनकी किरणों में वहीं रहती हूँ, फिर धीरे धीरे नीचे आती हूँ अपनी देह में, भ्रकुटी सिंहासन पर आ जाती हूँ और मुझसे ये किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं, संसार को पहुँचती हैं, फिर मैं आत्मा ऊपर चलती हूँ, सर्वशक्तिवान को टच करती हूँ, उसकी शक्तियाँ स्वयं में भरती हूँ। इसमें समय लगा सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, फिर नीचे आती हूँ इस संसार में ये शक्तियां फैलाने के लिए। ये बहुत अच्छा अभ्यास करते रहेंगे। दूसरा एक अभ्यास और करेंगे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सम्मुख है। ये बहुत गुड फीलिंग देने वाला अभ्यास है, योग की बहुत पावरफुल स्थिति है, ये सब बाबा ने सिखाए हुए हैं। ज्ञान सूर्य को आंखों के सामने देखो, सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, बहुत अच्छी एकाग्रता इसमें होती है। सभी को मालूम है जो पहली बार आए हैं, दादी जी हमारे मध्य में आएंगी, बाबा को भोग लगेगा, दादी जी ध्यान में जाएंगी, ध्यान अवस्था बहुत सूक्ष्म रहस्यों को ली हुई अवस्था है जिसमें आत्मा देह में ही होती है लेकिन उसकी संपूर्ण चेतना ऊपर होती है।
सूक्ष्म शरीर देह से एब्सेंट हो जाता है और बाप दादा तन में प्रवेश करते हैं। तो उस समय जैसे गीत बजेगा हम उड़ के चले जाएं, ऐसा ही अभ्यास करेंगे जो मैंने अभी बताया। मैं आत्मा उड़ के जाती हूँ बाबा के पास, शक्तियां भरकर नीचे आती हूँ, साथ साथ बाबा से बहुत सुंदर बातें करते रहेंगे, बाबा का वेलकम करते रहेंगे, उसको निमंत्रण देते रहेंगे, हे खुदा दोस्त अपना धाम छोड़कर आ जाओ। और ये सीन, ये विजन देखते रहेंगे कि बाबा ऊपर से नीचे उतर रहा है। साथ साथ याद रखेंगे जितना सुंदर हमारे मन में विचार होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अब से ही तब विशेष रूप से जितने सुंदर विचार होंगे उतना ही अधिक आनंद होगा। इसलिए जब भोग लगे, जब दादी ध्यान में जाए, तो योग अभ्यास के साथ साथ स्वयं को बहुत सुंदर नशे में स्थित कर लेंगे। आज मेरे भाग्य उदय हो गए, स्वयं भगवान मेरे सम्मुख होंगे, जिसको देखने के लिए नयन तरसते थे आज हम उसे जी भर के देखेंगे, जिसकी वाणी सुनने के लिए हम इंतजार करते थे आज उसको सम्मुख सुनेंगे, गीता ज्ञान सुनेंगे। ये सुंदर विचार हैं, ये विचार योग युक्त होने में बहुत मदद करेंगे। बस अब से और तब तक बाह्य मुक्ता बिल्कुल नहीं आने देनी है, कोई उठते भी हैं तो बहुत अंतर्मुखी होकर फिर से आकर बैठेंगे, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, उठना किसी को आवश्यक होता है। दादी ध्यान में जाती है, आप सबको बार बार कहा है ताली नहीं बजाएंगे। सवेरे जब क्लास में बहुत तालियां बज रही तो मेरे साथ बैठे मधुबन वाले कह रहे थे ताली बजाने वाला कोई ग्रुप आ गया है इस बार, तो ध्यान देंगे। ताली उचित समय पर बजाने से ताली की शोभा होती है, ऐसे ही बजा देना उचित नहीं लगता, बुद्धिमानी नहीं लगती है। और बाबा के तो सभी बच्चे दिव्य बुद्धि से संपन्न हैं, इसलिए जब बाबा की ऐसी सुंदर बात आ जाए जिस पर सचमुच बहुत आनंद जाहिर करना हो, तब ताली बजाना बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो बाबा आ जाएंगे, उसके बाद बाबा दृष्टि देते हैं हम सबको 10-12 मिनट, मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम होता है वो, सभा में पूरा सन्नाटा छा जाता है, बाबा के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। बाहर से कोई यदि उस सीन को देखे आज कि इतने भाई बहने बैठे हैं, 30,000 का ग्रुप तो यही हो गया, और बाहर कितने बैठे सुन रहे होंगे, चारों ओर गहन सन्नाटा। ये कार्य सिवाय परम सत्ता के और कोई नहीं कर सकता। तो वो 10-12 दृष्टि देने का समय, 10-12 मिनट का, सभी बहुत एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। मैं आपको एक सुंदर विधि बता रहा हूँ जो मैंने कह दी, उस समय अपनी बुद्धि को बाबा पर स्थिर करेंगे, बाबा से जो लेना चाहें संकल्प करना। मैंने कई बातें बोली थी, कोई विघ्न नष्ट कराना हो, कोई वरदान लेना हो, किसी दुख से मुक्ति पानी हो, किसी माया से छुटकारा पाना हो, बीमारी को नष्ट करना हो, सुंदर संकल्प करते हुए बाबा पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देना और फील करना बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। निरंतर जैसे हम बाबा को परम धाम में योग लगाते हैं, अब बाबा हमारे सम्मुख बैठे होंगे दादी के तन में,
फुल्ली एकाग्र कर दें स्वयं को, सबसे सुंदर अनुभव उन्हें होंगे जो इस हजारों की सभा में अकेले हो जाएं, केवल मैं और सामने बाबा। तो सुंदर नशे के संकल्प करते हुए बहुत अच्छी तरह दृष्टि का लाभ लेंगे, चिंताओं से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति। एक बात मुझे और कहनी है, कोई ये न सोचे हम तो दूर गैलरी में हैं, टीवी पर दृष्टि ले रहे हैं, हम तो साइड में हैं, बाबा हमारी ओर तो देखता ही नहीं है। हम बाबा पर एकाग्र करेंगे, बाबा को अभी पता है मेरा कौन बच्चा कहाँ बैठा है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं बाबा, केवल हमारे मन में विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वरीय नशे से हम जितने भरपूर रहेंगे, हमारी कोई भी श्रेष्ठ कामना बाबा पूरी करेंगे, संकल्प कर देंगे उसी समय। जो भी होमवर्क बाबा हमें 6 मास के लिए देंगे, जरूर देंगे आज, उसे मुझे हर कीमत पर करना ही है। हमारे ऐसे दृढ़ संकल्पों पर भगवान बहुत राजी होता है, हमें शक्तियां और वरदान दे देता है। तो हम बाबा को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करेंगे, उसके दिल को जीत लेंगे, ताकि हमारा वास उसके दिल में हो जाए और उसका वास हमारे दिल में। फिर बाबा की मुरली चलेगी, एंजॉय करेंगे उसको, भगवान हमसे बातें कर रहा है। फिर दादियां आएंगी, भोग लगेगा। आज इस सीजन का अंतिम ये अवसर है प्रभु मिलन का। बाबा क्या क्या करता है वो हम सब देखेंगे और अपने नैनों को तृप्त करेंगे। तो चलें बहुत नशे के साथ, इस खुशी और आनंद के साथ, हमारा प्रभु मिलन यादगार हो, वरदानों से भरपूर करें हमें, बाबा की शक्तियां हम पर बरसती रहें। अब से 3-4 घंटे हम अपने को ईश्वरीय सुखों में भरेंगे, बहुत एकाग्र हो जाएं फिर से और अपने खुदा दोस्त को वेलकम करें और बैठेंगे सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे।